वेलकम चिल्ड्रेन इन एक्टिव एजुकेशन क्लासेस। इस क्लास में झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस प्रिपेयर करने वाले बच्चों को हार्दिक अभिनंदन। इस क्लास में हम लोग आज झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 में आने वाले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग इस झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं JCECEB। ये आप लोग याद रखिएगा, ये है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जो अपना एक सिलेबस प्रिपेयर करता है। इसका अपना सिलेबस होता है जो हम लोग के हर साल आता है, लेकिन इस साल के सिलेबस में कुछ चेंज आया है। ये 2023 का ये सिलेबस है, इसमें कुछ केमिस्ट्री पोर्शन में कुछ चेंजेस आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले उसमें जान लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसके मार्क्स कितने होते हैं। नहीं, इस एंट्रेंस टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से क्वेश्चंस आते हैं, और फिजिक्स में 50 क्वेश्चन रहते हैं जिसका मार्क्स भी 50 होता है, केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चंस होता है जिसका मार्क्स 50 होता है, मैथ्स में भी 50 क्वेश्चंस होता है जिसका मार्क्स 50 है, और टोटल मार्क्स है 150, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है 150, और तो इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स 30 मिनट्स। टोटल 2 आवर्स 30 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। डिटेल्स आपको लिखने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और आपको 2 आवर्स के अंदर 150 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में, आप ये केमिस्ट्री के क्या क्या पोर्शन है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन में केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। केमिस्ट्री का सिलेबस, ये जो सिलेबस है कम्प्लीट सिंपल सिलेबस है, कुछ 9-10 से रिलेटेड है, कुछ 11-12 से रिलेटेड है। जो बच्चे 9-10 ऑलरेडी पढ़ चुके, 10 का एग्जाम दे रहे हैं, वो 9 पढ़ चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण 9 का आप लोगों का बेस बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन चाहते हैं कि हम लोग इस पॉलिटेक्निक एग्जाम को क्रैक करेंगे या अच्छा मार्क्स ले आएंगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आकर अच्छे कॉलेज मिलेगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे एग्जाम देने के 2 साल एग्जाम दे दिए हैं, या पढ़ाई किसी कारण से आप लोग का गैपिंग हो चुका है, यदि वो चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के एग्जाम देंगे, तो वो लोग भी इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग यदि मेरे साथ इस केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत इजी वे में, बहुत कम खर्चे में, तो इस एक्टिव एजुकेशन क्लास का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए गूगल स्टोर प्ले स्टोर से, नहीं तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431913105। आपको यदि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना है, आप मेरे इस क्लास से इस नंबर के साथ कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसका सलूशन निकालेंगे, और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस है, आपके लिए ही, आपको देखकर हमको कुछ ऐप का खर्चा जुगाना है, इसीलिए हम आपसे फीस ले रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं लेते। इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने आपके उसमें PDF है, टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर से आप उसको देख सकते हैं, और मेरे साथ लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस जानते हैं। तो व्हाट इज सिलेबस, तो सिलेबस में मेन है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बहुत सिंपल थिंग है, मैटर, मैटर के बाद एलिमेंट्स, इसको कुछ ग्रुप्स में बांटा जाता है, जैसे एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल मिक्सचर, कंपाउंड्स, ये सारा चीज एक ही कैटेगरीज में आता है। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट 2 टाइप्स का होता है, आप लोग जानते हो। एलिमेंट्स जो है वो नहीं, एलिमेंट्स जो है 3 टाइप्स का होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। उस तरह कंपाउंड्स भी होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो ये सब डिटेल्स आप लोगों को जानना पड़ेगा, और थोड़ा सा कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जानना होगा, उसका फॉर्मूला जानना होगा, उसका यूजेस जानना होगा, उसको इंडस्ट्रीज में हम लोग, या आप लोग ये जो पॉलिटेक्निक है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड है, इसीलिए इंडस्ट्रीज में उसका क्या यूज है, ये सब के बारे में जानना होगा। तो ये जो इंडस्ट्रियल यूजेस के बारे में 9-10 में नहीं बताया जाता है, लेकिन पॉलिटेक्निक के लिए आप लोगों को इसका इंडस्ट्रियल यूजेस के बारे में जानना होगा, ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में जानना होगा, उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसके बारे में जानना होगा। तो ये सारा चीज़ आप हम लोग मेरे साथ जुड़कर मेरे आपसे अच्छे से लाइव क्लासेस के साथ पढ़ सकते हो। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और पूरे हायर लेवल तक ले जाते हैं, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है। आप आइए, जुड़िए और इसका फ़ायदा लीजिए।
आते हैं डिफरेंट टाइप्स हो रहे हैं, जैसे सेकेंड पार्ट जो है, जैसे हमें एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे ऑलवेज इससे कुछ नहीं हो तो 10% तो आता ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट से। सेकेंड है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कौन सा एलिमेंट कौन सा पीरियड में है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एटमिक नंबर्स, मास नंबर से रिलेटेड है, कॉन्फिग्रेशन से रिलेटेड है कि इसका प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स कौन सा एलिमेंट कौन सा ग्रुप से रिलेटेड है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, उसको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ये सभी बेसिक चीज है। उसके बाद मेन सबसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों को बेसिक नॉलेज दिया जाता है 9-10 में, थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है, लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल्स जानना होगा जो स्टैंडर्ड 11 और 12 के लायक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स एंड पॉलीमर्स के बारे में जानना होगा, जो क्लास 9 और 10 में कुछ भी नहीं बताया जाता है। लेकिन 11 में कुछ बताया जाता है, फिर भी डिटर्जेंट, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स इसके बारे में नहीं बताया जाता। ये एक स्पेशल कोर्स है जो आपका सिर्फ पॉलिटेक्निक में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कीजिए, आप मेरे एक्टिव एजुकेशन क्लास का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसमें चैट कीजिए, हम आपका सबका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।